नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह कार्यक्रम का ग्राम तारी में हुआ आयोजन। जल संरक्षण हेतु घर में पेड़ लगाए और सूखता गड्ढा जरूर बनवाए। सीईओ डॉक्टर संजय कन्नौज ने कहा, जिले के मुखिया कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नियंत्रण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 5 जून से 12 जून तक आयोजित किए जा रहे स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन आज गुरूर विकासखंड के ग्राम तारी में किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर संजय कन्नौजे उक्त कार्यक्रम में पौधा वितरण कार्यक्रम रवाना कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे रैली के माध्यम से ग्राम में भ्रमण कर लोगों को उनके घर पहुँच कर पौधारोपण हेतु पौधा भेंट किया तथा उन्हें पौधा रोपने और उसको सुरक्षित रखने प्रेरित किया गया। रैली के माध्यम से लोगों के द्वारा अपने घरों से सर्वेक्षण से बनाए जा रहे सोखता गड्ढा का डॉक्टर कन्नौजे ने अवलोकन किया तथा श्रमदान कर उन्हें जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर कन्नौजे ने ग्राम के तालाब के किनारे सफाई अभियान प्रचार पौधरोपण किया। उन्होंने संबंधितों से कहा कि वे पौधे का ख्याल रखें और उसकी पूरी सुरक्षा करें। पौधरोपण पश्चात बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों को जिला पंचायत के सीईओ ने जल संरक्षण करने की शपथ भी दिलाई और उन्हें अपने आसपास के लोगों को जल संरक्षण करने प्रेरित किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जल संरक्षण के महत्व एवं इसकी उपयोगिता की जानकारी देते हुए सभी लोगों को अपने अपने घरों में सोखता गड्ढा का निर्माण करने तथा जल संरक्षण के पुनित कार्य में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। इस अवसर पर उप संचालक पंचायत श्री आकाश सोनी, जनपद पंचायत गुरूर के सीईओ राते, एपीओ मनरेगा ओम प्रकाश साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। छत्तीसगढ़ बालोद से सीजी न्यूज प्लस 24 से आर के देवांगन की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।